भोर होते ही प्रधान पुरोहितों, नेतागण तथा शास्त्रियों ने सारी महासभा का सत्र बुलाकर विचार किया और मसीह यीशु को, जो अभी भी बंधे हुए थे, ले जाकर पिलातोस को सौंप दिया। पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, क्या यहूदियों के राजा तुम हो? मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच्चाई वही है जो आपने कहा है। प्रधान याजक मसीह यीशु पर अनेक आरोप लगाते रहे। इस पर पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, कोई उत्तर नहीं दोगे? देखो, ये लोग तुम पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया। ये पिलातोस के लिए आश्चर्य का विषय था। उत्सव के अवसर पर वो किसी एक बंदी को लोगों की विनती के अनुसार छोड़ दिया करता था। कारागार में बारब्बास नामक एक बंदी था। वो अन्य विद्रोहियों के साथ विद्रोह में हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। भीड़ ने पिलातोस के पास जाकर उनकी प्रथा पूर्ति की विनती की। इस पर पिलातोस ने उनसे पूछा, अच्छा तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब तक पिलातोस को यह मालूम हो चुका था कि प्रधान पुरोहितों ने मसीह यीशु को जलनवश पकड़वाया था। किंतु प्रधान पुरोहितों ने भीड़ को उकसाया कि वे मसीह यीशु के स्थान पर बारब्बास को छोड़ देने की विनती करें। इस पर पिलातोस ने उनसे पूछा, तो फिर मैं इसका क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने चिल्लाते हुए उत्तर दिया, मृत्युदंड। क्यों? पिलातोस ने उनसे पूछा, क्या अपराध किया है इसने? इस पर वे उग्र हो बलपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, मृत्युदंड। भीड़ को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पिलातोस ने उनके लिए बारब्बास को विमुक्त कर दिया तथा मसीह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस मृत्युदंड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया।